बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। बजटरी कंट्रोल, थोड़ा बजटरी कंट्रोल इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक दो छोटी छोटी सी टर्म्स हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें फर्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इट इज बजट। बजट का मतलब क्या है? बड़ा बजट इज ए क्वांटिटेटिव और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट क्या है? एक क्वांटिटेटिव या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटाज एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। बड़ा इसमें कुछ चीजें क्लियर कर लीजिए। पहली चीज यह है कि यह क्वांटिटेटिव या फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। सेकेंड, जो हमारे प्रीवियस डेटाज हैं उनको बेस लेकर हम फ्यूचर के लिए कुछ एस्टिमेशंस करते हैं और इसी स्टेटमेंट को हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। सपोज हमें एक एस्टिमेशन करना है कि ब्रेन पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट की नेक्स्ट ईयर में, यानी कि ईयर 2020-2021 में टोटल रेवेन्यू कितनी जनरेट होगी। 2020-2021 की रेवेन्यू मुझे चाहिए। तो पहले तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ब्रेन पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कौन कौन से कोर्सेज हम लोग कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस एंड सीएमए, मान लेते हैं ये कोर्सेज हम लोग अपने यहां कंडक्ट करते हैं। बेटा बीकॉम में लास्ट ईयर बोले तो 2019-2020 में हमारे पास बीकॉम में कितने स्टूडेंट्स थे? फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर अपने यहां बीकॉम में थे टोटल 800 स्टूडेंट्स। सिमिलरली एमकॉम, सीएससीए, सीएमए में भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस। फॉर 2020-21 बेटा प्रीवियस 20 ईयर्स से, पिछले 20 सालों से अपने इंस्टीट्यूट पर बीकॉम में जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली एवरी ईयर 10% स्टूडेंट अपने यहां इंक्रीज होते हैं। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 2020-21 में 10% स्टूडेंट इंक्रीज होंगे, यानी कितने स्टूडेंट इंक्रीज होंगे? 80 स्टूडेंट्स। तो बताइए बेटा हमारा टोटल 2020-21 में ग्रेजुएशन के लिए कितने स्टूडेंट हम लोग अज्यूम कर सकते हैं? 880 स्टूडेंट्स अज्यूम कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर, बड़ा फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर तक हम लोग लेते थे 2000 रुपीज पर स्टूडेंट, और फॉर द करंट ईयर अगेन वी आर प्लानिंग फॉर द सेम फी स्ट्रक्चर। भाई हमें इस साल भी 2000 रुपीज ही पर स्टूडेंट चार्ज करना है। तो हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आने हैं? 880। मल्टीप्लाई किससे करते हैं अपन? 2000 से। तो ये मेरा टोटल फी स्ट्रक्चर हो जाएगा फॉर बीकॉम। बट सिमिलरली मुझे एमकॉम, सीए, सीएस, सीएमए के लिए भी सेम डेटा इसी तरीके से कंसीडर करने हैं और मेरी फी स्ट्रक्चर मुझे डिसाइड करनी है कि 2020-21 में एक्सपेक्टेशंस हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारी टोटल फी रेवेन्यू कितनी जनरेट होनी है। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज नोन एज बजट। बजट इज ए क्वांटिटेटिव, ये है अपनी क्वांटिटी 880 स्टूडेंट्स, और ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज योर फाइनेंशियल डेटा अमाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटाज एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज बजट, राइट? तो बेटा बजट क्या है ये हम लोगों ने क्लियर किया। अभी हम लोगों ने बजट प्रिपेयर किया रेवेन्यू के लिए,
सिमिलरली मैं एक बजट प्रिपेयर कर सकता हूँ ब्रैंड पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के नेक्स्ट ईयर में, यानी कि 2020-21 में टोटल एक्सपेंडिचर्स, टोटल हमें कितने इनकर्ड करने होंगे। तो एक एक्सपेंडिचर के लिए भी मैं बजट बना सकता हूँ, जब मुझे अपनी रेवेन्यू पता है, जब मुझे एक्सपेंडिचर पता है, तो प्रॉफिट के लिए भी हम लोग बजट प्लान कर सकते हैं। थोड़ा ये है बजट। अब एक क्वेश्चन आपसे पुटअप करना चाह रहा हूं, बेटा कल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जोर से बारिश होगी, हालांकि गर्मी का मौसम है, बारिश होने की चांस नहीं है, बट अपन बात कर रहे हैं, क्या ये भी एक बजट है? हम फ्यूचर के लिए ये एस्टीमेट कर रहे हैं कि कल जोरदार बारिश होगी, कल मौसम बहुत सुहाना होगा, क्या ये बजट है? नहीं बेटा, इसमें ना कोई क्वांटिटेटिव ना कोई फाइनेंशियल डेटा है। यहां पर हम फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशन जरूर कर रहे हैं, बट चूंकि क्वांटिटेटिव या फाइनेंशियल डेटा नहीं है, इसलिए हम लोग इसे बजट नहीं कहेंगे। बोले सर कुछ तो कहेंगे, फ्यूचर के लिए एस्टिमेशन तो कर ही रहे हैं, बेटा इट इज नॉन एज फोरकास्टिंग। तभी आपने देखा होगा कि वेदर के लिए हमेशा फोरकास्टिंग वर्ड लिखा जाता है, वेदर फोरकास्टिंग फॉर द नेक्स्ट पीरियड, दैट इज नॉन एज फोरकास्टिंग, इट इज नॉट बजट, राइट? चलिए, तो बजट क्या है ये हम लोगों ने यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर किया। नेक्स्ट टर्म हम लोग यहां पर डिस्कस करना चाहेंगे, एंड इट इज बजटिंग। बड़ा बजटिंग का मतलब होता है ए प्रोसेस विच इज यूटिलाइज टू प्रिपेयर अ बजट। एक बजट बनाने का जो तरीका है, एक प्रोसेस है, जिस तरीके से आप बजट बनाते हो, इट इज नोन एज बजटिंग। बट बजटिंग के लिए आपको कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं, एंड दीज आर नोन एज बजट फैक्टर्स। बड़ा इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हम लोग बजट तैयार करते हैं, इन्हीं फैक्टर्स को हम बोलते हैं बजट फैक्टर्स। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं ना, अल्टा बहुत इजीली समझ में आएगा आपको बजटिंग क्या है। बट एक बात बताइए, आपने अपनी लाइफ में कभी स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कोई टाइम टेबल प्रिपेयर किया? ऑफ कोर्स किया होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट ने किया होगा। जब अपन छोटी क्लास में थे तब तो हम लोग टाइम टेबल बनाकर ही पढ़ने की कोशिश करते थे। ये अलग बात है कि वो टाइम टेबल हमने फॉलो नहीं किया, दैट इज डिफरेंट थिंग। टाइम टेबल बनाया नहीं बनाया अपन केवल उसके बारे में बात करते हैं। बट ये जो आप टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं, इट इज योर बजट, जिसमें आप क्वांटिटेटिव डेटा ले रहे हैं कि मुझे फ्यूचर में कितने कितने घंटे स्टडी करनी है, दैट इज योर बजट। बट हाउ टू प्रिपेयर अ बजट, ये बजट आप बनाते कैसे हैं? यूं ही तो नहीं बना लेते बेटा। इस बजट को प्रिपेयर करने के लिए, इस टाइम टेबल को प्रिपेयर करने के लिए आप कुछ फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। पहला फैक्टर, विच कोर्स यू आर परस्यूइंग। बेटा अगर सपोज करो आप सेवंथ और एट्थ स्टैंडर्ड में ही थे, उसके कंपैरिजन में जब टेंथ में आ गए या ट्वेल्थ में आ गए, तो टेंथ और ट्वेल्थ में आते ही आपका टेंशन जो थोड़ा बढ़ गया था। रीजन, बोर्ड की एग्जाम है, तो बोर्ड के एग्जाम में पढ़ाई ज्यादा करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल जो है उसमें वर्किंग आवर्स या स्टडी आवर्स ज्यादा होना चाहिए, राइट? अब अगर आप सीएस फाउंडेशन कर रहे हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव दे रहे हैं, सीए इंटर दे रहे हैं, व्हाटएवर जो कोर्स आप कर रहे हैं, जैसे ही आपका कोर्स का लेवल बढ़ेगा, आपको वर्किंग आवर्स यानी कि स्टडी आवर्स बढ़ाने होंगे। द फर्स्ट थिंग इज क्या कोर्स आप करने जा रहे हैं, सेकेंड एग्जाम कितना दूर है। बेटा अगर सपोज करिए आपके एग्जाम अभी एक साल बाद हैं, तो आप जो टाइम टेबल बनाएंगे उसमें वर्किंग आवर्स को 4 to 6 hours रखेंगे। बट एग्जाम अगर 2 महीने या 3 महीने ही बाद है, तो आपको अपने वर्किंग आवर्स या स्टडी आवर्स को बढ़ाना होगा, देन 10 to 12 hours विल बी नीडेड, राइट? थर्ड, सिलेबस कितना पेंडिंग है। बेटा जितना ज्यादा सिलेबस पेंडिंग होगा, आपको वर्किंग आवर्स बढ़ाने होंगे। सिलेबस अगर थोड़ा बहुत बाकी है, रिवीजन अपना चल रहा है, तो उसके इसमें आप थोड़ा सा टाइम पीरियड कम कर सकते हैं। फोर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
आपकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। आपने अपना टाइम टेबल तो बना लिया, दिन में 14 घंटे पढ़ेंगे, मगर आपकी बैठने की कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी 4 घंटे से ज़्यादा नहीं है। बजट बनाने से क्या फ़ायदा, टाइम टेबल बनाने से क्या फ़ायदा। सो मेनी फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर वाइल यू आर प्रिपेयरिंग बजट। ये तो आपने अपने पर्सनल लेवल पर डिसाइड कर लिया कि सर मुझे इतने घंटे पढ़ना था, इस तरीके से हमने टाइम टेबल बनाना था, वाटर जो भी है। अब हम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। बट इंडस्ट्री के अंदर सपोज करिए मुझे 1 लाख यूनिट्स किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर करनी है, बट मेरे पास रॉ मटेरियल ओनली 20,000 यूनिट्स का अवेलेबल है, तो मेरे पास क्या हो गया, रॉ मटेरियल रेस्ट्रिक्शन है। मुझे 1 लाख यूनिट बनानी है बट मशीनें मेरे पास इतनी है कि मैं 20,000 से ज़्यादा यूनिट नहीं बना सकता, तो क्या करूँगा मशीनों के लिए। तो मेरे पास कई सारे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हम लोग बजट प्रिपेयर करते हैं। बजट बनाने का जो प्रोसेस है ना बेटा, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बजटिंग। और अब फाइनली थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है एंड इट इज बजटरी कंट्रोल। बेटा आप लोगों ने जब टाइम टेबल बनाया था ना, तो वो टाइम टेबल आपने बनाया था पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए। बट याद करिए, आपने जब टाइम टेबल फॉलो किया तो वो आपने फॉलो किया था सोने के लिए, स्लीपिंग आवर्स के लिए। याद करो कैसा होता था उस समय के बारे में बात कर रहे हैं। बेटा सपोज करिए आपने अपने टाइमिंग्स इस तरीके से डिसाइड किए थे कि मॉर्निंग 6 o'clock उठेंगे, उसके बाद रिफ्रेश होंगे, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे या पहले पढ़ लेंगे फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, जो भी होता था। सपोज आपने डिसाइड किया था सर 11 o'clock टू 1 p.m. ये हमारा स्टडी टाइम है, राइट। 1 p.m. टू 3 p.m. बोला सर ये स्लीपिंग आवर्स, देन 3 p.m. टू 6 p.m. बोला अगेन स्टडी आवर्स। फॉर एग्जाम्पल अपन ने कंसिडर कर लिया कि सर इस तरह का बजट था स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, लेट नाइट तक। बेटा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको पढ़ना था, 1 से 3 बजे तक आपके स्लीपिंग आवर्स हैं और 3 बजे बाद वापस आपके स्टडी आवर्स हैं। सोचिए किसी एक दिन, आपने 2-4 दिन तो सब फॉलो किया अच्छे से, किसी एक दिन 11 o'clock आपका कोई एक फ्रेंड आपसे मिलने के लिए आ गया, और आप तो जानते हैं कि आपके लिए हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, तो आपको उस फ्रेंड को टाइम देना कंपलसरी था। कोई रिलेटिव आ गए तो रिलेटिव को टाइम देना कंपलसरी था। आपने 11 बजे से लेकर 1 बजे का जो स्टडी का टाइम था वो आपने अपने फ्रेंड को दे दिया। इस टाइमिंग में स्टडी नहीं हुई, 1 बजे जैसे ही आपका फ्रेंड या आपके रिलेटिव आपके यहाँ से गए, आपने अपना टाइम टेबल चेक किया कि अब आगे का क्या प्रोसेस है, तो बोले सर 1 o'clock हमारा पढ़ने सोने का टाइम है, चलो 1 बजे अपन सो जाते हैं। दैट्स ओके, फाइन ना, अपने को अपने हिसाब से चलना है, जो बजट बनाया टाइम टेबल बनाया उसके हिसाब से चलना है, एग्रीड। कुछ दिन बाद एक नई कंडीशन आती है, अब आपके फ्रेंड या रिलेटिव ये आते हैं 1 o'clock, 1-3 आपका स्लीपिंग टाइम था, मगर फ्रेंड्स आए थे, रिलेटिव आए थे, उनको आपको टाइम देना कंपलसरी था, आपने उनको टाइम दे दिया। 3 बजे जैसे ही आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव जाते हैं, आप अपना शेड्यूल देखते हैं, बोले यार 3 बजे बाद अब पढ़ने का टाइम है, मगर आपके माइंड में क्या आता है, आज तो हम सोए नहीं, और अगर नहीं सोए तो आगे पढ़ाई होगी नहीं, तो चलो एक काम करते हैं 3 o'clock भी सो जाते हैं यार अपन। तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आई, आपने बजट जो बनाया था, टाइम टेबल बनाया था पढ़ने के लिए, बट आप उसे फॉलो जो लास्ट में कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, सोने के लिए। इट वॉज द बेसिक प्रॉब्लम विथ यू। ये बेसिक प्रॉब्लम आपकी थी पहले, मगर अब नहीं होगी, क्योंकि अब आपको ये मालूम पड़ गया है कि मेरे लिए ये कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है और मुझे इसमें कितना स्टडी करना है, राइट। चलिए बात करते हैं हम लोग बजटरी कंट्रोल के बारे में। बेटा आपने ये जो टाइम टेबल बनाया और जब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रही है, तो ध्यान रखिए टाइम टेबल कभी आवर्स के हिसाब से नहीं बनाना है कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है। टाइम टेबल बनाना है इसके लिए कि मुझे आज ये सिलेबस कंप्लीट करना है, और जब तक ये सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा हम लोग सोएंगे नहीं। तो आज के बाद थोड़ा सिस्टम चेंज करिए स्टडी के हिसाब से।
पर आप बातचीत करते हैं बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है। किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बजट तैयार करना है। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी एक्टिविटी जस्ट प्रिपेयर ए बजट। और जब आप एक्चुअल में परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो इन बजटेड डेटा को इन एक्चुअल डेटा से कंटिन्यूअसली, नॉट एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन, कंटिन्यूअसली आपको अपने बजटेड डेटा को एक्चुअल डेटा से कंपेयर करना है। और ये जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इस एक्चुअल परफॉर्मेंस पर आपको अपना कंट्रोल रखना है, एंड इट इज नोन एज बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी जस्ट प्रिपेयर अ बजट, एंड ड्यूरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली कंपेयर द बजटेड डेटा विद द एक्चुअल डेटा एंड ट्राई टू कंट्रोल अवर एक्चुअल परफॉर्मेंस, एंड इट इज नोन एज बजटरी कंट्रोल। सो द बजटरी कंट्रोल का मीनिंग क्या है, ये शायद आपको क्लियर हो रहा होगा। प्रोडक्शन शुरू होने से पहले आप एक बजट तैयार करिए, फ्यूचर के लिए फोरकास्ट कर लीजिए कि मेरे को ये सब प्लानिंग करनी है। एक्चुअल परफॉर्मेंस के दौरान अपने बजटेड डेटा को एक्चुअल डेटा से कंपेयर करिए, और इस एक्चुअल परफॉर्मेंस पर आप अपना कंट्रोल रखिए, एंड इट इज नोन एज बजटरी कंट्रोल, राइट? तो डा बजट क्या है, बजटिंग क्या है, और बजटरी कंट्रोल क्या है, ये पॉइंट हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए हैं। चलिए अब हम लोग बातचीत करते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यह है टाइप्स ऑफ बजट्स। बट बजट को हम लोग दो अलग अलग तरीके से डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। बट टाइम पीरियड के बेसिस पर बजट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट एंड करंट बजट। बड़ा लॉन्ग टर्म बजट का मतलब होता है ऐसे बजट जो 3 to 5 years के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में अपनी गवर्नमेंट जो एवरी फाइव ईयर्स में एक 5 year प्लान तैयार करती है, पंचवर्षीय योजना है, 5 year प्लान। तो ये 5 सालों के लिए बजट बना दिया जाता है कि फ्यूचर में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना एक्सपेंडिचर करना है, एग्रीकल्चर पे इतना करना है, इंडस्ट्रीज पे इतना करना है, वाट एवर जो भी उनके बजट रहेंगे। ये जो 5 year प्लान है ये है लॉन्ग टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट बेटा ऐसे बजट जो 1 to 3 years के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। ये तो कहां से कहां तक का हो गया, 3 to 5 years। ये कहां से कहां तक का होगा, 1 to 3 years के लिए होगा। एंड नाउ करंट बजट, बेटा ये 3 months to 1 year के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ये है लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट एंड करंट बजट। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं कि अगर आप में से कुछ एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीए, सीएस या सीएमए का कोर्स ज्वाइन किया है, तो आप लोग पहले दिन से ये प्लानिंग लेकर चलते हैं कि हमें इस कोर्स को कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। 3 or 3.5 years इज द नॉर्मल टाइम पीरियड विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कोर्स। हो सकता है कि आपने किसी बच्चे ने ये डिसाइड कर रखा हो सर ये कोर्स मुझे 5 से 6 साल में कंप्लीट करना, पूरा एक्सपीरियंस लेकर फिर इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। आपने जो कोर्स का प्लानिंग किया ना बेटा, इट इज लॉन्ग टर्म बजट। चलिए स्पेशली हम लोग बातचीत करते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव, सीए इंटर या सीएमए इंटर के बारे में। आप में से कुछ बच्चे ने डिसाइड कर रखा है सर हम तो 1 साल में ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, वन ईयर का टाइम तो लगता ही है, और कुछ एक नहीं सर 1.5 year या 2 years तो हम लोग दो तीन अटेम्प्ट खा के इसको हम लोग ज्वाइन करके आराम से धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेके करेंगे, इट इज शॉर्ट टर्म बजट। और एक पर्टिकुलर कोचिंग के बारे में बात करें कि सर अगर कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कंप्लीट करना है तो 3 to 6 months इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड, 3 से 6 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, इट इज योर करंट बजट, राइट? तो टाइम पीरियड के हिसाब से बजट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड करंट बजट। बेटा हमारे लिए बजट जो है वो टाइम पीरियड के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है,
इसके लिए हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। बट हमारे बिजनेस की जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बजट को तीन कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल बजट, द सेकेंड थिंग इज कैश बजट, एंड द थर्ड वन इज फंक्शनल बजट। फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट और फंक्शनल बजट क्या है, ये टॉपिक हमें बहुत डिटेल में यहां पर डिस्कस करने होंगे। तो मेरे हिसाब से बेटा आज के लिए इतना काफी है, कल की क्लास में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये तीनों बजट्स क्या हैं। राइट, चलिए, थैंक यू, ऑल ऑफ यू।